वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव और लॉकडाउन की वजह से यात्रियों की संख्या में कमी के आधार पर पूर्वोत्तर रेलवे ने दर्जनों ट्रेनों को निरस्त कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न राज्यों द्वारा लॉकडाउन को हटाने के साथ अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ कामगार के साथ यात्री यात्रा के लिए रेलवे का मुँह देख रहे थे। ऐसे में रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए गोरखपुर लखनऊ और गोरखपुर महुआडी इंटरसिटी सहित अप्रैल और मई में निरस्त 30 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से अगले आदेश तक चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके संबंध में मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 10 जून से विभिन्न तिथियों से पूर्व निर्धारित समय ठहराव और मार्ग पर इन ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। साथ ही लंबी दूरी के ट्रेनें अपने निर्धारित रूट पर चल रही हैं। ट्रेनों में सिर्फ आरक्षित कोच ही लगेंगे। यात्रियों को कन्फर्म टिकट पर ही यात्रा की अनुमति होगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, जैसे ही केसेस कम होने शुरू हुए हैं उसके बाद से यात्रियों की मांग आनी शुरू हो गई हम लोगों के पास। उसके उपरांत हम लोगों ने जो स्पेशल ट्रेनें हम लोग चला रहे थे उसके कई जगह फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है, और अभी जैसा हम लोगों ने नोटिफाई किया है कि कुल 34 ट्रेनें NER की जिनको फिर से सर्कुलेशन में लाया गया है, जो कि यात्रियों की कमी के कारण बंद हो गई थी। जिनमें से अगर मैं गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर में कुल 8 ट्रेनें ऐसी हैं जो गोरखपुर से चलाई जा रही हैं। अगर आप कहेंगे तो उसका जिक्र कर देते हैं, जैसे गोरखपुर ऐशबाग के लिए एक ट्रेन चलती है, मडवाडी गोरखपुर के लिए जो बेसिकली वाराणसी की इंटरसिटी है, लखनऊ साइड की इंटरसिटी है, जो गोरखपुर से एक ट्रेन मैलानी जाती है, और लखनऊ गोरखपुर इंटरसिटी दो, एक गोरखपुर से ऐशबाग और एक गोरखपुर से लखनऊ जंक्शन की, तो इन सभी ट्रेनों को रिस्टोर किया गया है। सर लंबी दूरी के लिए कौन कितनी ट्रेन चलेगी? लंबी दूरी के लिए भी जो ट्रेनें, जैसे जो मुंबई साइड की ट्रेनें थी वहाँ के लिए लगातार हम लोगों के पास मांग बनी हुई थी। जो पैसेंजर्स अगर यहाँ कुछ कम हुए थे तो वहाँ से आने वाले ज़्यादा लोग थे, तो इसलिए मुंबई की ट्रेनें लगातार हम लोग चलाते रहे हैं। ड्यूरिंग ये जो लॉकडाउन का टाइम भी था उस दौरान भी सभी बड़े शहरों के लिए ट्रेनें निरंतर चल रही थी, और उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई गई है लगातार जैसे जैसे ज़रूरत पड़ रही है। अगर और ज़रूरत पड़ेगी, लॉन्ग रूट के पैसेंजर्स और मिलते हैं और ज़्यादा डिमांड आती है, जैसे हम लोग जो वेटिंग लिस्ट है उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, अगर वेटिंग लिस्ट किसी ट्रेन की बहुत ज़्यादा जाने लगती है तो फिर एडिशनल कोचेज लगाना या एडिशनल स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए हम लोग प्रपोजल भेजते हैं और चलाते हैं। तो इस क्रम में लगातार हम लोग नई ट्रेनें चला रहे हैं जहाँ भी आवश्यकता है। और एक चीज़ जो मैं अपील करना चाहूँगा सभी यात्रियों से कि अभी कोविड का खतरा कम हुआ है, टला नहीं है, इसलिए जो सभी प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उनका पालन करना आवश्यक है। जैसे स्टेशन पे अगर मास्क लगा के कोई नहीं जाता है तो उसके ऊपर फाइन लगाने का प्रावधान किया गया है। जब भी ट्रेन में जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।